हेलो डियर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी टी सैट केमिस्ट्री के साथ हम लोगों ने अभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक तो कवर कर ही लिया है बट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट जो है जो आपको मिली हुई है वो हमारी बची हुई है तो चलिए उसका सोल्यूशन हम पहले देखते हैं ताकि हम एक ऑर्डर में कर पाएं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का डीपीपी देन एसिड बेसिस सॉल्ट्स का डीपीपी एंड देन वील कंटिन्यू विद आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है सो आज के लेक्चर में हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को डील करेंगे मैगनेट ब्रेन्सरगार्डन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक एनसीआर सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सबके वीडियो लेक्चर्स आपको 100 परसेंट फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं मैगनेट ब्रेन्स पे दो तीन वीडियो देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है क्योंकि यहाँ सारी चीजें हंड्रेड फ्री है चलिए शुरू करते हैं द वैलेंसी ऑफ फॉसफर फॉस्फेट का जो आयन है उसे हम लिखते हैं पीओ

कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ऑप्शन ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हम यहां कहा देख पा रहे हैं देखिए यहां पे सी ए ओ प्लस सी ओ टू ये दोनों तो कंपाउंड्स हैं। फोर एन ए प्लस ओ टू एन ए भी एक एलिमेंट है O भी एक एलिमेंट है तो ये दोनों एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन है तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ठीक when lead nitrate ni when, when lead nitrate is heated it breaks down into lead monoxide nitrogen dioxide and oxygen jab lead nitrate break hota hai to wo kya kya produce karta hai lead, lead monoxide produce karta hai nitrogen dioxide produce karta hai aur oxygen produce karta hai this example is uh, this reaction is an example of ये किसका example है एक बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों में break हो रही है तो इसका मतलब ये decomposition reaction है Option B. इसका करेक्ट आंसर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है क्यों डिकम्पोजिशन क्योंकि यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है तो हीटिंग की प्रोसेस होती है हीटिंग के बाद ये टूट जाता है और ये तीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है ठीक आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर कट देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है भाई यहाँ तो दो बड़े बड़े रिएक्टेंट है, है ना यहाँ तो दो बड़े बड़े रिएक्टेंट है यहां देखो एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है ये यह आएगा यहां से एजी को हटाएगा और सी यू एन ओ थ्री प्लस टू ए बन जाएगा बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं ये कॉम्बिनेशन है और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सो so, ये एकमात्र ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये मात्र ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ठीक है सो so, आगे बढ़ते हैं अब हम ऑप्शन बी से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी देखो जेड एन प्लस एफ ई एसओ फोर तो होगी रिएक्टिव है तो वह एफ ई को डिसआई सी एल टू गिव टू के सी एल प्लस आई टू ये भी होगी क्योंकि सीएल जो है वो आई को डिसम जी एसओ फोर गिवस जेड एन एसओ फोर प्लस एम जी ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है ठीक है सो so, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो ये इक्वेशन नहीं हो ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ये पॉसिबल नहीं है ये रिएक्शन नहीं होगी इसका मतलब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देर आय टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं और दो नए कंपाउंड बन जाते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है ठीक है ऑप्शन सी नेक्स्ट व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू कलर सल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अ ब्लैक ऑफ़ कॉपर सल्फाइड ऑप्टेन एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म रिमेन्स इन द सल्यूशन द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ये भी ध्यान से देखिएगा मैं आपको बताता हूं हमने लिया है यहां पे कॉपर सल्फेट और उसमें पास कराई H2S बना बाद में CuSO4 तो देखो क्या हो रहा है ये H2 जो है वो कॉपर की जगह कॉपर H2 की जगह आ जाएगा और ये बन जाएगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ही चीज है दोनों को कॉमनली मतलब दोनों चीजें एक ही रिएक्शन के लिए इंडिकेट करती हैं ये दो नाम हैं एक ही रिएक्शन के ठीक है सो इट्स ऑप्शन डी आगे

एसओ टू में, में से ओ हट जा रहा है और सीधा एस रह जा रहा है दिस इज रिडक्शन जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो जिसका reduction होता है वो एजेंट तो की तरह काम कर रहा है विच इज ऑप्शन बी ठीक है दिस इज टू एफ सी एल थ्री अब इसमें उन्हें बोला क्लोरीन में भी रिगार्डेड क्लोरीन क्या है तो ध्यान से देखिएगा पहले वो था एफ टू तो प्लस के फॉर्म में अभी यहां पे आयरन प्रेजेंट है एफ्री प्लस के फॉर्म में तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया ना पहले टू प्लस था अभी टू थ्री प्लस है तो ऑक्सीडेशन हुआ किसने ऑक्सीडेशन कराया क्लोरीन के जुड़ने से हुआ तो क्लोरीन यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है इसी के साथ हमारा डीपीपी सॉल्यूशंस होता है कंप्लीट अब आपको यह बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेनस के वीडियोस को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं देखिए मैग्नेट ब्रेनस आपको ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं इन सबको प्रोवाइड करता है ये सारे कोर्सेज मैगनेट ब्रेनस प्रोवाइड करता है 100% फ्री में आपको सारे वीडियोस वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ ये वीडियोस आपको मिलते हैं जहां कुछ खरीदना नहीं है कूपन कोड आपको कुछ भी नहीं लगाना है कोई कूपन कोड कुछ नहीं है दो तीन वीडियोस देखने के बाद भी यहाँ ऐसा नहीं है कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे करनी हो रही है या कुछ भी ऐसा नहीं करना सीधा सीधा आप हंड्रेड परसेंट फ्री में वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे मोबाइल ऐप पे और साथ ही साथ में आ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मैग्नेट ब्रेन्स की तो यहाँ पे तो आप क्या करेंगे जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स आप डालेंगे आपको चैनल मिलेगा आप उसे सब्सक्राइब करिए आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहेंगे वेबसाइट पे और ऐप पे आप जैसी एंटर होंगे तो आपको सेग्रीगेटेड क्लास वाइज सारे वीडियोस सब्जेक्ट uh, वाइज आपको मिल जाएंगे आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करके आपको पूरे सीक्वेंस मिल जाएगा वीडियो का आप जो भी वीडियो को चाहें उस पर क्लिक करें और आगे आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन फॉर मोर सच वीडियोज